हेलो। यस ओके बच्चा, तब तक एक काम करो बच्चे, जब तक आ रहे तब तक तुम भी, मेरे तुम्हारे को याद होगा कि मैंने यहाँ पे अमोनोलिसिस ये रिएक्शन कराया था बच्चा। देखो अमोनोलिसिस, ध्यान से, इसके चार प्रोडक्ट फॉर्म करके दिखाया था, ध्यान दो। अमोनोलिसिस, इथाइल ब्रोमाइड ले लो, उसमें अमोनिया डालो तो इथाइल अमाइन बनेगा, फिर इथाइल अमाइन में वापस से इथाइल ब्रोमाइड डालो तो डाई इथाइल अमाइन बनेगा, फिर डाई इथाइल अमाइन में वापस से इथाइल अमाइन डालो, इथाइल ब्रोमाइड डालो, ट्राई इथाइल अमाइन बनेगा, और फिर वापस से टेट्रा बनेगा, मतलब क्वाटरनरी सॉल्ट फॉर्म होगा। याद आया बच्चा? यस, 373 कॉपर स्टील ट्यूब, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हैलाइड बॉन्ड इज कॉल्ड व्हाट इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया आर कॉल्ड व्हाट? अमोनोलिसिस, यस और नो? अगर जहाँ पे अल्काइल हैलाइड प्राइमरी रहेगा तो ये सीधा सीधा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, जहाँ पे सेकेंडरी और टर्शरी लोगे तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा, वो एलिमिनेशन रिएक्शन दे देगा बच्चा। और रिएक्टिविटी ऑर्डर में आर आई इज ग्रेटर देन आर बी आर इज ग्रेटर देन आर सी एल बिकॉज ऑफ बॉन्ड लेंथ बच्चा। तो प्लीज जल्दी से एक बार रीड कर लो, तब तक बच्चे भी आ रहे हैं, उनके लिए भी हम जरा इंतजार कर लें। काफी लोग, दोपहर का टाइम होता है मुझे पता है, लोग सोते रहते हैं, ठीक है ना, सो के फिर उठ के जगना होता है, तब तक तुम जग जाओ, ये पढ़ लो बच्चा, क्योंकि इसी से मिलता जुलता रिएक्शन अभी तुम्हारे सामने वापस से लाने जा रहा हूँ मैं। और यही रिएक्शन, एक बात बता देता हूँ, तुम 220 पेज में भी देख सकते हो, एचडीए के चैप्टर में 220, ये अमोनोलिसिस रिएक्शन वहां पे भी है। फर्क ये है कि वहां पे अमोनिया जो है ना बच्चा, एक्सेस ऑफ अल्कोहलिक अमोनिया है। क्या है एक्सेस? हाँ ध्यान में रखना, एक्सेस ऑफ अल्कोहलिक अमोनिया। तो रिएक्शन देखो प्राइमरी अमाइन पे स्टॉप हो जाता है, वहां पे भी यही चीज है, बट अगर प्राइमरी अमाइन पे रिएक्शन ना स्टॉप हो, अगर अमोनिया एक्सेस ना हो, तो इसका मतलब आरएक्स एक्सेस हो जाएगा, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। बच्चा जल्दी से, क्वाटरनरी सॉल्ट। यस बच्चा देखो यहाँ पे सब लिखा है यहाँ पे, तो इसी के जगह पे एक होता है हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। तो मेरे ख्याल से अब मुझे शुरू करना चाहिए, जो आ गए आ गए, जो सो गए तो उनको सोने देते हैं हम, ठीक है ना, गुड नाइट बोल देते हैं उनको, तो हम शुरू करते हैं। ओके तो अच्छा, ये एचडीए के एक पेज में देखो ये रिएक्शन ऑलरेडी, ये अमोनोलिसिस का रिएक्शन, वहां पे बॉक्स दिया होगा येलो कलर का, उस बॉक्स में देखो ये दिया है बच्चा 220 पेज पे, और यहाँ पे वापस से ये रिपीट हो रहा है 283 पे पेज पे। बच्चा ध्यान दो, मैं जानबूझ के रिपीट कर रहा हूँ ये। गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग। तो यहाँ पे 283 है बच्चा, 283 ये पेज। ओके तो गुड इवनिंग बोलने वाले लोग कुछ बच्चे हैं, जरा देख लूँ। ओके एक खुशी जी है और एक अभिषेक जी है। ओके बच्चा गुड इवनिंग, चलो बच्चा अच्छा लगता है, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बोलते हैं तो बहुत मजा आता है मुझे। ओके पता चलता है। ओके अच्छा, तो खैर 283 और 220 है बच्चा, पेज नंबर 220 पे और 283 पे। देखो ये 283 है, अमाइंस का चैप्टर है। अब देखो यही रिएक्शन एक पेज और हम पलटेंगे, और एक पेज आगे बढ़ती बढ़ते देखो तुम्हारे सामने ये रहा ये। अरे भाई आ जाओ, कहाँ जा रहे हो, क्यों नहीं आ रहे हो, ऐसा मत करो। ओके ये रहा पेज नंबर 291 बच्चा, 291। तो अब कहीं पे लिख के रख लो कि अमोनोलिसिस का तीन जगह पे रिएक्शन मिलेगा, 291 देखो लिख लो, 283, 220 और 291, 283, 291 एक ही पेज में, मतलब एक ही चैप्टर के अंदर मिल जा रहा है अमाइंस में। ध्यान देना बच्चा, मुझे लगता नहीं कि ये मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं अल्काइलेशन ऑफ अमाइन, हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ हॉफमैन एग्जॉस्टिव? एग्जॉस्टिव के लिए याद रखना, मिथाइल आयोडाइड यूज करते हैं बच्चा। क्या यूज करते हैं? मिथाइल आयोडाइड, इसी को एग्जॉस्टिव बोला गया है। इसके जगह पे भूल के भी इथाइल ब्रोमाइड मत लेना बच्चा, इथाइल ब्रोमाइड वहां पे नॉर्मल अमोनोलिसिस में लेना, बट एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन बोला तो इसके लिए हम लेंगे मिथाइल आयोडाइड। प्लीज बच्चा तब तक तुम ये रीड कर सकते हो, मिलता जुलता भाई भाई है ये पूरा का पूरा रिएक्शन वही है बच्चा, वापस से रिपीट हो गया है, जल्दी से रीड कर लो। और कहीं डाउट रहेगा तो मेरे को पूछोगे, एक मिनट, ये बेसिसिटी का था, ऑरेंज रेड कपलिंग रिएक्शन बच्चा, ये डाइजोटाइजेशन रिएक्शन ऑरेंज रेड डाई है कि ना, कि पोर्शन से डिलीट किया है, पेज नंबर 290 पे।
लेबोरेटरी टेस्ट फॉर अमाइन साइड से निकाल दिया है, और डायजोटाइजेशन रिएक्शन ऑरेंज रेड डाई में इसकी बात कर रहा हूँ बच्चा, प्लीज ये पेज का प्लीज, अगर किसी के पास होगा डिलीटेड पोर्शन तो जरा क्रॉस चेक कर ले पेज नंबर 290 पे, और तब तक ये भी पढ़ ले। थैंक यू प्राची। 13.61 ना, 13.61 मतलब ए और बी दोनों हो गया ना डिलीट, बराबर ना? हाँ बच्चा, यस थैंक यू बच्चा। चलो ये पढ़ो जल्दी से, और वैसे वो कुछ इतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है इसलिए मैं डिस्कस भी नहीं कर रहा हूँ, जैसे कुछ रिलेटेड है तो मतलब नहीं है अभी बोर्ड वाइज तुम्हारे के लिए, तुम्हारे को पढ़ने की जल्दी से रीड, जल्दी से रीड करोगे। मैं इसके अंदर क्वेश्चन करने वाला हूँ तुम्हारे से, ये बात याद रख लेना, खाली मैंने रीड करने के लिए दिया तो ऐसा ही नहीं दिया है, क्वेश्चन करने वाला हूँ, बहुत मजा आएगा बच्चा प्लीज। बच्चा रीड करके हो गया सभी का? हो गया बच्चा? अब ध्यान दो, अब मुझे बताओ इसको एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत है? सेम भाई भाई, अमोनालिसिस यहाँ पे भी बच्चा क्या है, मिथाइल आयोडाइड एक्सेस में है, अमोनिया एक्सेस में नहीं है। तो मिथाइल आयोडाइड में हमने क्या डाला बच्चा? अमोनिया, राइट? तो मिथाइल अमाइन बन जाएगा, फिर उस मिथाइल अमाइन में वापस से मिथाइल आयोडाइड डालोगे तो क्या बनेगा? डाइमिथाइल अमाइन, और डाइमिथाइल अमाइन में वापस से मिथाइल आयोडाइड डालेंगे तो ट्राइमिथाइल अमाइन, टर्शरी अमाइन बनेगा बच्चा, ठीक है? ध्यान दो यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ पे तीन कंपाउंड बन रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड व्हाट टर्शरी एंड व्हाट क्वार्टरनरी। तो प्राइमरी ऑलरेडी दिया हुआ है बच्चा, फिर एक काम करते हैं यहाँ पे मैं क्वेश्चन तो करूंगा। अरे यार ये पेज है ना 291, हेलो बच्चा, बच्चा मेरा क्वेश्चन ये है कि ये प्राइमरी अमाइन है मिथाइल अमाइन,
इस प्राइमरी अमाइन से यहाँ पे आने के लिए, क्वाटरनरी पे, यहाँ से यहाँ पे आने के लिए, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना मिथाइल आयोडाइड कंज्यूम किया? हाउ मैनी मोल्स ऑफ व्हाट मिथाइल आयोडाइड कंज्यूम? वेरी गुड, शाबाश बच्चा। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, इधर से इधर तक आने के लिए 1, 2 एंड 3, मतलब प्राइमरी अमाइन से क्वार्टरनरी पे आने के लिए थ्री थ्री मिथाइल आयोडाइड यूज किया। चलो अगर क्वेश्चन ऐसा आया कि डाई मिथाइल अमाइन से क्वार्टरनरी बनना है तो कितने अल्काइल आयोडाइड कंज्यूम करेगा? दो, यस वन एंड, यस और नो बच्चा? और यहाँ पे टर्शरी से क्वार्टरनरी पे वन, ठीक है। ये भी बच्चा एग्जॉस्टिव, तुमने अगर पढ़ा होगा तो लिखा है ना बच्चा, यहाँ पे भी एग्जॉस्टिव का मतलब देखो, इसके अंदर जो एग्जाम्पल यूज हुआ है वो यूज हुआ है मिथाइल आयोडाइड। क्या यूज हुआ है बच्चा? मिथाइल आयोडाइड। ओके बच्चा, तो इसी को एग्जॉस्टिव बोला गया, एग्जॉस्टिव नाम दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे देखो, तुम देखोगे जो एच आई जो बाई प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो उसको न्यूट्रलाइज भी कर सकते हैं हम, क्या, बेस डाल के, जैसे कि यहाँ पे NaHCO3 है, ये डाल के भी इसको यूज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ माइल्ड बेस NaHCO3 टू न्यूट्रलाइज द लार्ज क्वांटिटी ऑफ व्हाट? HX, HX बोले तो एच आई, द अल्काइल हैलाइड इज मिथाइल आयोडाइड, राइट, मिथाइल आयोडाइड, द रिएक्शन इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन ऑफ अमाइन। मैंने बोला मिथाइल आयोडाइड को ही एग्जॉस्टिव नाम दिया गया है। और मिथाइल अमाइन इज हीटेड विद एक्सेस ऑफ मिथाइल आयोडाइड, इट गिव्स टेट्रा मिथाइल अमोनियम आयोडाइड। क्लियर है बच्चा? बस ना, और कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना बच्चा, बोलो बोलो, क्लियर है बच्चा? यस हाँ कि सर, ना? हाँ सर, ओके बच्चा, थैंक यू थैंक यू। चलो अब अगला है बच्चा, वाओ प्यारा सा कंसेप्ट है बच्चा, ये लो। यहाँ पे हॉफमैन, देखो सब नाम हॉफमैन से ही आ रहे हैं, एक हॉफमैन समझ के चलना कि पेपर में हॉफमैन दिखेगा बच्चा, एक कंफर्म आएगा पेपर में, ठीक है। तो हॉफमैन एलिमिनेशंस, ध्यान देना बच्चा, बहुत सिंपल रिएक्शन लेने वाला हूँ, अच्छे से समझने की कोशिश करना सभी लोग। एन है, चलो यहाँ पे एक कंपाउंड है बच्चा, ये सॉल्ट है, इस एन के ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाएगा, क्यों आएगा पता है? नाइट्रोजन की वैलेंसी चार हो गई है इसलिए, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी तीन होती है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज में आ चुका है इसलिए एन पे प्लस है। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसा चाहता तो लिख सकता था NCH3 थ्राइस कर देता था, और यहाँ पे बाजू में मैं क्या कर देता, C2H5 लिख देता। तो ये ट्राई मिथाइल है और ये इथाइल है, तो इथाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम, इथाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम व्हाट हैलाइड, ध्यान देना बच्चा। तो अब देखो यहाँ पे कुछ ऐसा होने वाला है, ये देखो यहाँ पे इथाइल है, ट्राई मिथाइल अमोनियम है, राइट, और यहाँ पे बाजू में बच्चा आई लिखा हुआ है, आई बोले तो एक कॉम्प्लेक्स है, तो इसको मैं एक सा स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दूं लाइक दिस। तो ये मिथाइल, बोले तो क्या हो गया, ये देखो ये मिथाइल है तीन और ये इथाइल है, इथाइल ट्राई मिथाइल, एन बोले तो अमोनियम, आई बोले तो आयोडाइड, सॉल्ट है बच्चा, यही जो सॉल्ट, ठीक है ना बच्चा, यही सॉल्ट, ठीक है। तो ये सॉल्ट जो है ये सॉल्ट है बच्चा। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे AgOH डालूंगा। अब ये सिल्वर हाइड्रोक्साइड डायरेक्ट फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता, अगर याद होगा तो मैंने सिखाया था, मॉइस्ट Ag2O लोगे, किस में डालोगे बच्चा, वाटर में डालोगे, मॉइस्ट व्हाट, सिल्वर ऑक्साइड, किसमें, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, ध्यान में रखना। तो मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड डालेंगे यहाँ पे हम,
ये वाटर में डालते ही ये एच जी ओ एच में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एच जी ओ एच डज नॉट एग्जिस्ट। तो वाटर में डालते ही ये एच जी ओ एच बन जाता है एंड इट इज़ बिहेविंग लाइक सिल्वर हाइड्रोक्साइड बिकॉज सिल्वर हाइड्रोक्साइड डज नॉट एग्जिस्ट। ओके बच्चा, तो अब ये एच जी ओ एच होगा क्या, कि ये ओ एच जो है ना बच्चा, ये ओ एच यहाँ पे ये ए जी के साथ आई बाहर हो जाएगा, ए जी आई और प्लस, और यहाँ पे जो कंपाउंड फॉर्म होगा एन के साथ सी एस थ्री थ्राइस और सी एस टू सी एस थ्री ये, और एन पे प्लस चार्ज, और बाजू में जो है ना कंपाउंड बच्चा ये ओ एच आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ओ एच माइनस, ये इसका फॉर्मेशन हो गया। अब बच्चा मुझे बताओ यहाँ पे ये फॉर्मेशन हो गया, प्लीज बच्चा बेटर होगा कि लिख लो, लिख लो। सभी ने लिख लिया? ओके बच्चा डन। चलो अब देखो बच्चा, ये वाला स्टेप है ना ऊपर ही, मैं इसको वापस से वही कर रहा हूँ, समझ लो ना, ये मेरा हो गया था, यही प्रोडक्ट फॉर्म होना था। ये जो ओ एच है ना, मैं यहाँ पे लिखूंगा आई के जगह पे, ये मेरा सेकंड स्टेप है, ये आई के जगह पे से ओ एच, ओ एच माइनस, ये मैंने लिख दिया। अब होगा क्या बच्चा, तुम्हारे को पता है अल्फा बीटा एलिमिनेशंस, तो ये कॉम्प्लेक्स के अंदर अल्फा कार्बन कौन हो सकता है और बीटा कार्बन कौन हो सकता है, कोई बता सकता है मुझे? ये तो लिख भी सकता है, मुझे दिखा सकता है लिख के स्क्रीन पे, इसी पे ऊपर अल्फा बीटा करके दिखा सकता है। अल्फा कार्बन कौन होगा, बीटा कौन होगा इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, ध्यान से देखो, दोनों आना चाहिए, अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन। सुन रहे हो मेरी बात? अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन, तुम्हारे पास एन से जुड़ा हुआ मिथाइल ग्रुप, अरे वाह क्या बात है, अल्फा है, क्या बात है मोहम्मद, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। एन से जुड़ा हुआ कार्बन क्या है बच्चा? अल्फा है, ये अल्फा कार्बन और ये कार्बन बीटा, समझ में आया? शाबाश। तो बच्चा जो अल्फा कार्बन है ना और बीटा कार्बन, अब एक काम करो, इनके बीच में जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तो एन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर टू कार्बन ज्यादा होगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके ये नाइट्रोजन के पास आ जाएगा और बनेगा कुछ ऐसा। एक्चुअल में ये जो कंपाउंड है ना बच्चा है, ये इसको बोलते हैं इथाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये एक डीलिक्विसेंट सॉलिड होता है। डीलिक्विसेंट सॉलिड वो होता है, क्रिस्टलाइन होता है, डीलिक्विसेंट सॉलिड वो होता है, ये क्या करता है, मॉइस्चर को ना एड्सॉर्ब करता है, क्या करता है, एड्सॉर्ब, ठीक है। तो जैसे कि कोई
केमिकल प्रिपेयर किया, उसमें एक मॉइस्चर है, उसमें हाई लेवल में एक डेसिकेटर होता है, डेसिकेटर राइट अपराटस होता है, उसके अंदर ये कंपाउंड डाल दें और वो कंपाउंड जो बना है उसमें डाल दो, उसमें मॉइस्चर है ना वो खींच लेगा इस कंपाउंड से जो बना है वो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन डिलिक्विसेंट सॉलिड। ओके बच्चा, तो ये कंपाउंड अब इसको स्ट्रांगली हीट करेंगे हम। अब जब स्ट्रांगली हीट करेंगे तो ये एन के साथ है ना बच्चा, ये एन के साथ तीन सी एस सी है ना, ये साइड में आ जाएगा, ये लो थ्राइज, ये एन के साथ सी एस सी थ्राइज हो जाएगा, फिर प्लस। अब प्लस होने के बाद वापस से यहाँ पे क्या आएगा बच्चा, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, क्या है हाइड्रोजन, ये लो सी एस टू, ये नीचे हाइड्रोजन ले लेता हूँ मैं, ये हाइड्रोजन नीचे ले लिया, ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया, यहाँ पे ये जो बॉन्ड ब्रेक हुआ था तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके एन के पास आ गया, एन के पास क्या हो गया, उसका खोया हुआ इलेक्ट्रॉन मिल गया उसको, वो हैप्पी हो गया। और यहाँ से ये जो एच है ना बच्चा, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ, अल्फा का कार्बन ब्रेक हो चुका है और बीटा कार्बन भी एच ब्रेक करके ये एच इस ओ एच में मिल जाएगा और बनेगा कुछ ऐसा, क्या H2O, क्या बनेगा बच्चा H2O। अब H2O बन गया, ये H किस में गया, OH में, क्योंकि ये OH नेगेटिव है तो H क्या जाएगा बन के, प्लस बन के जाएगा, H प्लस बन के जाएगा, तो उसके दो इलेक्ट्रॉन वो छोड़ देगा इस कार्बन के पास, इस कार्बन के पास, समझ रहे हो, बीटा वाले कार्बन के पास दो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो यहाँ पे CH2 है, बाजू में क्या है CH2 है, ध्यान देखो दो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मिलके क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन गया अल्कीन, इसको बोलते हैं इथीन, क्या बोलते हैं बच्चा इथीन, इथिलीन। तो यहाँ पे देखो एन के साथ ट्राइमिथाइल और यहाँ पे वाटर, इसको स्ट्रॉन्ग हिट करेंगे तो ये पायरोलिसिस जैसा कुछ हो गया। पायरोलिसिस अगर तुमने पढ़ा है अल्केन में 11th में, ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है ना बच्चा, तो क्रैकिंग और हाइड्रो डिहाइड्रोजनेशन, सभी को समझ में आया ये रिएक्शन बच्चा, प्लीज जल्दी से रिप्लाई कर दो। ओके चलो लिख लो लिख लो। हो गया बच्चा, सभी ने लिख लिया? ओके इसको बोलते हैं हॉफमैन एलिमिनेशन। हॉफमैन में याद रखना जो मेजर प्रोडक्ट होता है ना वो लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होता है, और जो सेडजेप्स, कहीं सेडजेप्स पढ़ा है ना तुमने, डिहाइड्रो डिहाइड्रेशन डिहाइड्रो हैलोजनेशन, तो वहां पे मोर सब्स्टिट्यूटेड वाला अल्कीन ही क्या होता है, मेजर होता है, याद रख लेना बच्चा। जैसे कि यहाँ पे ये अब मुझे बताओ इसमें लेस सब्स्टिट्यूटेड कौन है और मोर सब्स्टिट्यूटेड कौन है बच्चा, पहला और दूसरे एग्जांपल में लेस सब्स्टिट्यूटेड और मोर सब्स्टिट्यूटेड। ओके लेस सब्स्टिट्यूटेड फर्स्ट, सब्स्टिट्यूटेड मतलब सब्स्टिट्यूट हो गया, एक एच निकल चुका है तो सबसे ज्यादा एच किसमें है, तो वो मोर सब्स्टिट्यूटेड, जिसमें कम हाइड्रोजन है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड, उसके जगह पे मिथाइल अटेस्ट होगा ना बच्चा, यस और नो। ये देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, ये देखो इसको 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 क्या होगा बच्चा, पता है यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है,
ये लो बच्चा, अब यहाँ पे से एक हाइड्रोजन को मैं कम कर दूं, एक मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे मोनो सब्सटीट्यूटेड। यहाँ से भी एक एच कम कर दूं, यहाँ पे सी एच थ्री लगा दिया, डाई सब्सटीट्यूटेड। ये भी एच कम कर दिया, ट्राई सब्सटीट्यूटेड, और ये भी एच निकाल दिया, टेट्रा सब्सटीट्यूटेड। याद रखना, तो जितना हाइड्रोजन कम होगा उतना मिथाइल ग्रुप जुड़ेगा, तो वो क्या होगा बच्चा बोले तो मोर सब्सटीट्यूटेड व्हाट हाइड्रोजन एटम्स, मोर मतलब जितना हाइड्रोजन निकलेगा तो उसके वो जगह पे मिथाइल ग्रुप जुड़ते जाएगा, तो लेस सब्सटीट्यूटेड और मोर सब्सटीट्यूटेड। तो जो बोले तो यहाँ पे देखो, तुम देखोगे ये लेस सब्सटीट्यूटेड है बच्चा, राइट, और ये एक हाइड्रोजन निकल गया तो एक मोर सब्सटीट्यूटेड, तो टू इज मोर सब्सटीट्यूटेड एंड वन इज अ व्हाट लेस सब्सटीट्यूटेड बच्चा, तो वन इज अ व्हाट लेस सब्सटीट्यूटेड। और यहाँ पे अंकुश ने आंसर दिया था राइट आंसर, वन सब्सटीट्यूटेड। ओके बच्चा, तो वन इज अ राइट आंसर बच्चा, क्लियर है। तो लेस सब्सटीट्यूटेड फर्स्ट और मोर सब्सटीट्यूटेड सेकेंड। तो सेट्जेप्स रूल में देखो, यहाँ पे और एक हाइड्रोजन चाहिए तो मैं कम कर सकता हूँ, और एक सी एस सी बढ़ा सकता हूँ, तो ये सी एस सी ग्रुप बढ़ते जा रहा है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन भी बढ़ते जाता है बच्चा, हाइपर कॉन्जुगेशन। ये कार्बन अल्फा होता है, ये कार्बन अल्फा, तो ये बाजू वाला कार्बन बीटा है, ये कार्बन बीटा है, हाइपर कॉन्जुगेशन अगर पता होगा तो बीटा में क्या होगा कि वहाँ पे जितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी, मोर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। तो याद रख लेना की डिहाइड्रेशन और डिहाइड्रोहैलोजनेशन में सेट्जेप्स रूल को फॉलो करते हैं, तो मेजर प्रोडक्ट वो होता है जिसमें अक्रॉस द डबल बॉन्ड मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप और मोर नंबर ऑफ वर्ड हाइपर कॉन्जुगेशन होता है सेट्जेप्स में। और जो हॉफमैन होता है, हॉफमैन में हमेशा याद रख लेना लेस मतलब वहाँ पे क्या होगा, लेस सब्सटीट्यूटेड, और वहाँ पे आजू बाजू में ज्यादा अल्फा कार्बन नहीं होगा, ठीक है ना बच्चा। तो लिस्ट सब्सटीट्यूटेड वाले अल्किन को ही क्या करते हैं, मेजर बनाते हैं जिसमें हॉफमैन में। और कैसे पहचानते हैं कि वहां पे रिएजेंट है ना, ऐसे टर्शरी वाला रिएजेंट देगा, क्या देगा बच्चा, टर्शरी वाला रिएजेंट, बल्कि ग्रुप। तो ये कहानी थी सेट्जेप्स और व्हाट, क्या बच्चा, सेट्जेप्स और हॉफमैन। तो सेट्जेप्स में मेजर कौन होगा, मोर सब्सटीट्यूटेड, मोर सब्सटीट्यूट। ध्यान दो बच्चा एक मिनट, चलो तो ये एलिमिनेशन हो गया, इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, ये लिस्ट सब्सटीट्यूटेड वाला। तो तुमने यहाँ पे देखो पढ़ा भी होगा, यहाँ पे हॉफमैन एलिमिनेशन द लिस्ट सब्सटीट्यूटेड एल्किन इज ऑब्टेंड एज अ व्हाट मेजर प्रोडक्ट इन कॉन्ट्रास्ट टू सेट्जेप्स एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन कॉन्ट्रास्ट बोले तो सेट्जेप्स किया था ना तुमने, डिहाइड्रेशन और डिहाइड्रोहैलोजनेशन, यस और नो बच्चा, 11th में पढ़ा है तुमने, हाँ। और यहाँ पे एसडीएम में भी देखे हमने, अल्कोहल में भी देखा, वहाँ पे भी सेट्जेप्स रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है बच्चा। चलो अगला कंसेप्ट, तो एग्जांपल में देखो, मैंने यहाँ पे बॉक्स वाला एग्जांपल दिया था, जो अभी मैंने प्रैक्टिस करा है ना ये वाला था, देखो इथाइल है, ट्राइमिथाइल आयोडाइड है, इसमें यहाँ पे बुक में दिया है, यहाँ पे इथाइल ट्राइथाइल और प्रोपाइल लिया है, अमोनियम आयोडाइड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए जी ओ एच डालो, ए जी टू ओ से ओ एच आ जाएगा, फिर स्ट्रांगली हिट करो यही ओ एच, यहाँ से एक एच कम हो जाएगा बच्चा, ये सो नो, यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से होगा एच, क्योंकि अल्फा बीटा ये कार्बन है, ये तो गामा हो जाएगा बच्चा, राइट, अल्फा बीटा, तो अल्फा में से वो बॉन्ड ब्रेक होगा, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा अपने पास, सी एस सी एस टू, इस तरह से यहाँ पे फॉर्मेशन होगा बच्चा, किसका, इथिन का। तो लेस सब्सटीट्यूटेड एल्कीन ही क्या होगा, हॉफमैन में मेजर होता है, क्या होता है, हॉफमैन में मेजर। चलो अगला 92, 93, 94 खत्म, 95 ओके, इसके बाद हंसा है, मेरे को उसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो 92 था ये, ओ 93, 91, 92। चलो अब एक काम करो, ये असाइलेशन ऑफ अमाइन अगर बोलोगे तो ही मैं सिखाऊंगा, नहीं तो नहीं सिखाऊंगा, ठीक है। अल्काइलेशन है बच्चा, चलो एक बार पहले देख लो इधर से लेकर इधर तक,
चलो बच्चा, मेरे ख्याल से देखा होगा। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो मेरे पास है ना एक प्राइमरी अमाइन है। प्राइमरी अमाइन में हाइड्रोजन कितने होते हैं बच्चा? दो होते हैं। इस प्राइमरी अमाइन को मैं रिएक्ट कराऊंगा, ध्यान देना बच्चा, एसिटाइल क्लोराइड के साथ। ये एच इधर, ये सीएल इधर बाहर, यहाँ पे लिख दो पाइरिडीन। ठीक है बच्चा। अब यहाँ पे ये देखो प्राइमरी अमाइन है, ये 1 डिग्री अमाइन है बच्चा। क्या है 1 डिग्री अमाइन? ये 1 डिग्री अमाइन में ये एच इधर से निकलेगा, ये सीएल इधर से निकलेगा, एच सीएल बन जाएगा प्लस आर एन एच, और बाजू में ये सी ओ सी एस से जुड़ जाएगा। यस। अब ये मान लो आर जो है ना, ये आर मिथाइल भी आ सकता है, ये यहाँ इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, कुछ भी होने दो। तो मिथाइल इथाइल, तो एन मिथाइल, अगर मान लो मिथाइल है तो एन अल्काइल, अभी फिलहाल मेरे पास एन अल्काइल। अगर मान लो बच्चा, थोड़े टाइम के लिए इसको छुपा देता हूँ मैं, ये आर नहीं है बच्चा यहाँ पे, ये आर यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे आर नहीं होगा तो नाइट्रोजन की वैलेंसी किससे हम सेटिस्फाई करेंगे बच्चा? हाइड्रोजन से। तो यहाँ पे हाइड्रोजन। अब इस कंपाउंड का क्या बोलते हैं? अमाइड बोलते हैं। अमाइड में कार्बन कितना है बच्चा? दो है, तो एक और ये दो कार्बन, इसको बोलते हैं इथेन अमाइड। क्या बोलते हैं? इथेन अमाइड, राइट। ये अमाइड हो गया बच्चा, इथेन अमाइड। अब यहाँ पे अगर मान लो ये एच नहीं होता तो यहाँ पे क्या है बच्चा? क्या है? आर था ना बच्चा, तो ये आर बोले तो मिथाइल है, तो लिखेंगे मिथाइल किससे अटैच है? इस नाइट्रोजन से अटैच है। एन मिथाइल इथेनामाइड, एन इथाइल इथेनामाइड, ऐसा इसका नेमिंग हो जाता बच्चा। एन मिथाइल इथेनामाइड, इथेनामाइड एन इथाइल व्हाट? इथेनामाइड, ऐसा ये नेमिंग हो जाता बच्चा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? हाँ कि ना। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है बच्चा कि यहाँ पे ये अमाइन में सेकेंडरी अमाइन ले लेता हूँ, वापस से मैंने यहाँ पे एक आर ग्रुप ऐड कर दिया, तो यहाँ पे एन के साथ हाइड्रोजन एक ही है तो ये रिएक्शन करेगा, और यहाँ पे एच के जगह पे क्या आएगा? आर। एन एन डाई मिथाइल, एन एन डाई इथाइल इथेनामाइड, ऐसा बन जाएगा। अब अच्छा अगर मान लो कि टर्शरी अमाइड ले लिया, ये एच दिख रहा है ना यहाँ पे, ये एच भी निकल गया, आर लगा दिया टर्शरी अमाइड, तो ये एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि एसिटाइल क्लोराइड के लिए क्या होना चाहिए? इससे रिएक्ट होने के लिए इसके पास, इस अमाइन के पास हाइड्रोजन होना जरूरी है। तो प्राइमरी में दो हाइड्रोजन है, वो इजिली रिएक्ट करेगा, सेकेंडरी में एक हाइड्रोजन है तो भी रिएक्ट करेगा, बट टर्शरी में हाइड्रोजन है ही नहीं तो वो रिएक्ट नहीं करेगा बच्चा। तो यहाँ पे यही कंडीशन था बच्चा, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो प्राइमरी अमाइन के साथ ये रिएक्शन असाइलेशन देता है, एलिफेटिक भी और क्या एरोमेटिक भी ले सकते हो बच्चा, ठीक है। चलो बच्चा ध्यान से देखो, अब तुम्हारे को समझ आएगा। प्लीज बच्चा, लोग रीड करोगे ध्यान से, मैं एक क्वेश्चन करने वाला हूँ तुम्हारे से। मैंने एक्सप्लेन कर दिया, प्राइमरी अमाइन ले लो, सेकेंडरी ले लो, एसिटाइल क्लोराइड
करके उसके साथ रिएक्ट कर दो, एनिथाइल इथेनामाइड, सिंपल है बच्चा, एसिटाइलेशन, हंसा फ्रिडल क्राफ्ट, वैसा ये चीज है। फर्क ये कि एरोमेटिक रिंग नहीं है बस, अब आ रहा है एरोमेटिक रिंग, ठीक है, हंसा आ रहे हैं, हंसा हंसा को बुला रहा हूँ मैं। चलो हो गया, हो गया मेरे ख्याल से। चलो अब कार्बाइल अमाइन टेस्ट, जिसको बोलते हैं ना कार्बाइल अमाइन के नाम से भी जाना जाता है, हॉफमैन कार्बाइल अमाइन टेस्ट और आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है ये रिएक्शन, ठीक है। होगा क्या बच्चा कि यहाँ पे मैं क्लोरोफॉर्म लूंगा, पहली बात तो यहाँ पे मैंने आर ले लिया, आर के साथ NH2 डाल दिया, बच्चा ये ध्यान देना कि क्लोरोफॉर्म 3 है यहाँ पे, Cl3, इसलिए मैं NaOH भी 3 ले लूंगा, या KOH भी ले सकते हो, या NOH भी ले सकते हो, और हीट करेंगे हम यहाँ पे। अब होगा क्या कि ये R है ना बच्चा, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 1 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितना है बच्चा, 3 है ना, ये NH का मतलब 3 Na है, 3 ऑक्सीजन है और 3 हाइड्रोजन है, तीनों को मिलाया नंबर 3 के, तो 3 और ये 2 5 और ये 6, 6 हाइड्रोजन हो गया, इसको लिख दो हाइड्रोजन को 6 3H2, और उसमें 3 ऑक्सीजन भी डाल दो, ये देखो 3H2 बन गया, ऑक्सीजन का काम तमाम, हाइड्रोजन का काम तमाम। अब अच्छा ध्यान से देखो बच्चा, यहाँ पे क्या होगा, इस N के साथ क्या जुड़ जाएगा बच्चा, N है ना बच्चा, N के साथ ये C जुड़ जाएगा और ये बन गया आइसोसाइनाइड बच्चा। यहाँ पे देखो ये क्या हुआ बच्चा कि यहाँ पे आर है, आर तो रहेगा ही बच्चा, ये देखो आर के साथ ये NC बन जाएगा, मतलब अमाइन से क्या बन गया, आइसोसाइनाइड, इसको अच्छे से लिखता हूँ बच्चा ध्यान दो, आर NH RNC, इसको बोलते हैं ऑफेंसिव स्मेल, बहुत गंदा वाली बदबू आती है रिएक्शन में, ठीक है ना, ऑफेंसिव। यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर और क्या बना, RNC बना, क्या बच्चा, बच्चा RNC आइसोसाइनाइड, इसको बोलते हैं कार्बाइल अमाइन टेस्ट। ये मिथाइल या आर मिथाइल भी हो सकता है, या आर इथाइल भी हो सकता है, या आर बोले तो एरोमेटिक बेंजीन भी चलेगा यहाँ पे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, एनिलीन, तो यहाँ पे ये सब चीजें ले सकते हो कोई भी एग्जांपल। तो ये एरोमेटिक के साथ भी और एलिफेटिक के साथ भी रिएक्ट करेगा, बट जहां पे तुमने अगर सोचे कि इस मेथड में सेकेंडरी अमाइन ले लो, टर्सरी अमाइन ले लो, तो ये क्लोरोफॉर्म और एनओएच रिएक्ट नहीं करेगा, किसमें, सेकेंडरी अमाइन और टर्सरी अमाइन पे। समझ में आया क्या बच्चा, सेकेंडरी और टर्सरी में ये रिएक्ट नहीं करेगा, प्लीज बच्चा लिख लो। बच्चा लिख लिया, सभी ने लिख लिया, यस सर लिख लिया। थैंक यू बच्चा। चलो कोई डाउट है किसी को इस रिएक्शन में बच्चा, आइसोसाइनाइड कार्बाइल अमाइन टेस्ट प्राइमरी अमाइन देता है, एलिफेटिक और वो भी एरोमेटिक अमाइन देता है, बट सेकेंडरी अमाइन टर्सरी अमाइन रिएक्ट नहीं करेगा, ये बात याद रख लेना बच्चा।
सभी ने लिख लिया। चलो अब अगला। यस सर। ओके बच्चा, आई थिंक ये डिलीट किया हुआ है बच्चा हमारे पोर्शन में से, नाइट्रस एसिड ये है कि नहीं है ये जरा चेक कर लो बच्चा प्लीज। रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड 13.66 ये है। और ये ऑलरेडी मैंने सिखा भी दिया है, और मैंने ऑलरेडी सिखा भी दिया है बच्चा, ये ध्यान दो, कोई तो चैप्टर में सिखाया है फिनॉल में, इसको देख के याद आ जाएगा। याद करो कौन से चैप्टर में बच्चा, मैंने ऐसा कोई रिएक्शन बताया था अनिल, NH2 एनिलीन, ये NaNO2 और HCl को मिलाओगे राइट, तो यहाँ पे नाइट्रस एसिड बनेगा HNO2 प्लस HCl, और यहाँ पे हम टेम्परेचर लेंगे 273 पे, Kelvin। अब अच्छा होगा क्या कि यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, सॉरी बच्चा एक कॉल आ गया था, ध्यान दो बच्चा यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, ध्यान दो ये दो हाइड्रोजन है, ये तीसरा और ये चौथा, देखो अगर यहाँ पे ये दो तीन और एक चार, नाइट्रस एसिड का फॉर्मेशन है ना ऐसा होगा, NaNO2 को मिला दो, इसके अंदर HCl डाल दो बच्चा, HCl डालते यहाँ पे Na क्या आएगा Cl के साथ चला जाएगा, और बचा हुआ HNO2 नाइट्रस एसिड फॉर्म हो जाएगा, क्या फॉर्म हो जाएगा नाइट्रस एसिड। तो होगा क्या बच्चा यहाँ पे ध्यान देना कि चार हाइड्रोजन है, यहाँ पे होगा 2H2O, ये 2H2O बन गया वाटर मॉलिक्यूल, बचा हुआ बेंजीन है, इस बेंजीन के ऊपर बच्चा N बचेगा, और ये N भी यहाँ पे डाल दो N2 हो जाएगा, और ये Cl बचा हुआ यहाँ पे डाल दो Cl, ये माइनस और एन पे प्लस चार्ज, इसको बोलते हैं बीडीसी, याद रखना बच्चा बीडीसी, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, प्लीज लिख लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये फिनॉल में भी देखो ये रिएक्शन कराया था बच्चा, फिनॉल भी इसी से बनाते हैं बीडीसी से,
मैं रिएक्शन तुम्हारे में से आउट किया है, बट मतलब नहीं समझा जा क्यों आउट किया है, मतलब ही नहीं वहाँ पे, इसलिए मैं सैंड में रिएक्शन है बच्चा, ठीक है, कोई मीनिंग ही नहीं था उसको आउट करने का, जबकि इसी से सैंड में रिएक्शन भी होता, अभी इसी के आगे सैंड में देखोगे बच्चा, प्लीज लिख लो। सभी ने लिख लिया बच्चा, सभी को समझ में आया बच्चा, एनिलिन है, नाइट्रस एसिड है, HCl है, HH को मिला दो, दो वाटर बना, बाजू में NN को मिला दो, N2Cl, BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, लिख लो बच्चा, इसमें बहुत सारी चीजें अभी यहाँ कनेक्ट होने वाले हैं, देख लो बच्चा। और एक मजे की बात ध्यान दो बच्चा, हो गया लिख के, हो गया क्या? और एक मजे की बात, हाँ बच्चा बहुत मजे की बात बताने जा रहा हूँ, ये HNO2 का फॉर्मेशन जो होता है वो NaNO2 और HCl से होता है, लिख लिया। चलो अब एक काम करता हूँ, ये बेंजीन रिंग को हटा रहा हूँ थोड़े टाइम के लिए, देखो बच्चा ये यहाँ पे रुक जाएगा रिएक्शन BDC पे, बट जब भी मैं कभी यहाँ पे इथाइल ले लिया C2H5, इथाइल अमाइन ले लिया, अब इसमें नाइट्रस एसिड डालूंगा, HCl डालूंगा, तो बच्चा इसका प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा पता है? इथाइल अमाइन से सीधा सीधा क्या बनेगा? इथाइल डाइजोनियम क्लोराइड बनता है, बट वो अनस्टेबल होगा, एकदम से अनस्टेबल, रुकेगा ही नहीं, सीधा सीधा क्या अल्कोहल दे देगा बच्चा, क्या दे देगा? अल्कोहल। ये बात याद रखना, उसमें से नाइट्रोजन गैस उड़ जाएगा और HCl फॉर्म हो जाएगा, मतलब इथाइल डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा, तो इथाइल अल्कोहल बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल तुरंत ले लेगा वो, और अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा, और बच्चा नाइट्रोजन गैस और HCl, याद रखना एलिफैटिक में HNO2 और HCl डाला, सीधा सीधा उसका प्रोडक्ट है अल्कोहल, बट एनिलिन एरोमेटिक में डाला तो यहाँ पे हमको थोड़ा टाइम के लिए रुकना पड़ेगा, BDC वेटिंग करेंगे कि कौन सा रिएजेंट आ रहा है, इस BDC में क्यूप्रस क्लोराइड आएगा तो क्लोरोबेंजीन, क्यूप्रस ब्रोमाइड तो ब्रोमोबेंजीन, काय KI आएगा तो आयोडोबेंजीन, क्यूप्रस साइनाइड आएगा तो साइनोबेंजीन, अगर वहाँ पे इथेनॉल आया तो बेंजीन बनेगा, यहाँ पे फॉस्फोरस एसिड आया राइट, और वाटर मॉलिक्यूल तो भी बेंजीन, और बच्चा HBF4 फ्लोरोबोरिक एसिड डाला तो फ्लोरोबेंजीन, और HBF4 फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ NaNO2 डाला इसी रिएजेंट में तो क्या बनेगा? नाइट्रोबेंजीन। अगर तुम सोचोगे कि बेंजीन में हम फ्लोरिनेशन कर दें डायरेक्टली और फ्लोरोबेंजीन बन जाए तो नहीं बनेगा बच्चा, तो जो फ्लोरोबेंजीन बनता है किससे? BDC से, इतने सारे कंपाउंड बनते हैं BDC से, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से। तो ठीक है बच्चा, तो मेरे ख्याल से देखो यहाँ पे तुम्हारे को कुछ ज्यादा वो नहीं है, खाली देखो यहाँ पे बच्चा लिखा है यहाँ पे सीधा सीधा नाइट्रस एसिड इज एन अनस्टेबल कंपाउंड, क्योंकि HNO2 है ना, तो HNO2 इज अ नाइट्रस एसिड अनस्टेबल एंड इट इज प्रिपेयर्ड इन द C2, बोले तो C2 का मतलब इसी से रिलेटेड, मतलब रिएक्शन के अंदर राइट ना, मतलब यही रिएक्शन से रिलेटेड, बाय एडिंग एक्वस सोडियम नाइट्राइट, एडिंग बोले तो HNO2, C2 बोले तो वही रिएक्शन के अंदर NaNO2 डाला है बच्चा, नाइट्रस एसिड है देखो NaNO2 और HCl, तो ये क्या देगा? मिक्स होगा और ये देगा अमाइन, तो देखो एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन्स ऑन रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड फॉर्म एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स, वेरी वेरी व्हाट अनस्टेबल इंटरमीडिएट, मतलब
क्या बनेगा, अल्काइल अमोनियम अल्काइल डाइजोनियम हैलाइड बनेगा बच्चा, बट वेरी अनस्टेबल इंटरमीडिएट एंड विच डिकम्पोज इमीडिएटली. बोले तो भाई वॉट रिएक्शन विद वॉट सॉल्वेंट वाटर, वाटर के साथ तुरंत इमीडिएटली क्या करेगा डिकम्पोज होके सीधा सीधा खम्बा अल्कोहल, क्या बच्चा अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा. बट एक बच्चा एक और मजे की बात है, एक्सेप्शनल केस बताता हूँ, इथाइलामाइन प्रोपाइलामाइन ब्यूटाइलामाइन वो सब अल्कोहल देगा, और यहाँ पे मिथाइलामाइन मिथाइलामाइन अगर डालोगे और उससे सोचोगे कि मिथेनॉल बने तो बच्चा कभी नहीं बनेगा, ठीक है. ओके बच्चा याद रख लेना, डाई मिथाइल ईथर बनेगा, क्या बनेगा डाई मिथाइल ईथर. ये सब एंट्रेंस के पॉइंट है. तो खैर यहाँ पे इमीडिएटली बाय रिएक्शन विद सॉल्वेंट वाटर करेस्पॉन्डिंग अल्कोहल इज फॉर्म्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन एंड नाइट्रोजन गैस इज लिबरेट. तो क्या हुआ वेरी अनस्टेबल, और उसी के जगह पे एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन्स रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड टू फॉर्म डाइजोनियम सॉल्ट एंड विच हैव रेजोनेबल स्टेबिलिटी एट 273 केल्विन. इसमें थोड़ा सा टाइम के लिए क्या होगा बच्चा, रेजोनेंस है ना वो स्टेबिलिटी होगी बट थोड़े टाइम के लिए रहेगा, ठीक है. तो बीडीसी रुकता है बच्चा, पर ये इथाइल या अल्काइल डाइजोनियम अगर यहाँ पे बेंजीन के जगह पे आर लगा दूं और NN2 और Cl लगा दूं तो भाई ये बहुत अनस्टेबल कंपाउंड है, ये रुकने वाला नहीं है, सीधा सीधा वाटर के साथ डिकम्पोज हो जाएगा अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा. तो कभी अगर MCQ आया और RN NH2 है मतलब एलिफेटिक इथाइलामाइन प्रोपाइलामाइन और उसमें ये डाला तो उसका आंसर सीधा अल्कोहल डालोगे, दो कार्बन है तो इथाइल अल्कोहल, तीन कार्बन है तो प्रोपेनॉल, मिथाइल अल्कोहल है तो उसका डाइमिथाइल ईथर आएगा ऑप्शंस में, याद रखना ना बच्चा. और ये एरोमेटिक आया अगर तुम्हारे को कभी फंसाने के लिए ये सब दे दिया है, अगर यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल नहीं डाला है खाली NNNO2 और HCl और ऑप्शन में ये भी दिया है तो तुम पहले ये डालोगे, अगर वहाँ पे क्यूप्रस क्लोराइड डाला रहेगा अगले स्टेप में तो क्लोरोबेंजीन. चलो आते हैं हम यहाँ पे, ए देखो बच्चा पिटारा खुल गया यहाँ पे, देखो देखो ये देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोला ना, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख सकते हो, अंदर का पाइप बोन है ना यहाँ पे शिफ्ट होगा तो अंदर वाला जाएगा ऊपर खींचते ही जाएगा प्लस प्लस, इसलिए थोड़ा टाइम के लिए स्टेबिलिटी यहाँ पे. तो एरिल डाइजोनियम सॉल्ट्स आर रेजोनेंस स्टेबलाइज एंड यूजफुल इन वर्सटाइल व्हाट इंटरमीडिएट्स टू ऑब्टेन अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स. इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी स्टेबिलिटी होती है, थोड़े टाइम के लिए रुकता है, इसलिए यहाँ पे ये बनने के चांसेस बन जाते हैं. ये देखो सैंडमैन रिएक्शन है बच्चा, ये गेटरमैन रिएक्शन है, गेटरमैन में भी सेम कंपाउंड बनता है. देखो मैं यहाँ पे अगर इसको मैं बड़ा करूँ बच्चा, ए यार पेज चेंज हो जाता है यार, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है. अभी क्या करने का, चेंज तो चेंज देखो, पिंक पिंक देखो बच्चा, ध्यान से देखो ध्यान से देखो, ये है AR, AR का मतलब होता है बेंजीन, N2X डाइजोनियम, देखो रुका है सब जगह पे, देखो यही चीज दिखेगा, खाली नाम बदल रहे हैं, सैंडमेयर गुडिल लेटरमैन इतना अच्छा एज नहीं है, आइडो अरिन काय के आई डालेंगे, माइल्ड रिडक्शन देखो N2Cl H3PO2 है, फॉस्फोरस एसिड राइट, फॉस्फोर ऑर्थोफॉस्फोर फॉस्फानिलिक एसिड है, और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है और यहाँ पे इथेनॉल है, इससे देखो बेंजीन बेंजीन बना अभी मैंने बताया, और फिनॉल में वापस वाटर मॉलिक्यूल डालेंगे तो यहाँ पे फिनॉल बनेगा. तो बच्चे ये AR N2 है, एक चीज तो मैं लिख के दिखा देता हूँ, ये तुम ना हमेशा N2 लिख के लेने का, ट्रिपल बॉन्ड के चक्कर में फंस जाओगे, माइनस N प्लस बच्चा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, क्यूप्रस क्लोराइड ऐड करेंगे CuCl और यहाँ पे HCl, ये लो. अब होगा क्या कि N2 है ना, ये बहुत प्यारा निकलने वाला एक ग्रुप होता है लिविंग ग्रुप, जैसे कि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में निकलने वाला ही ग्रुप होता है लिविंग ग्रुप, तो आयोडीन बहुत जल्दी से बाहर होता है, बट ऐसे ही इनसे भी बहुत अच्छा प्यारा जो जिस थोड़ा भी नकड़े नहीं दिखाता, ये N2 बहुत आसानी से बाहर हो जाता है N2 गैस बन के, ठीक है. N2 गैस बन के बाहर हो गया बच्चा, ये Cl है ना, ये कॉपर अपनी तरफ खींच लेता है और ये Cl को वहाँ पे भेज देता है, बात तो वही है, चाहे वही अटेस्ट कर दो चाहे ये ले लो, ठीक है. बट ऐसा होता है ये क्लोरोबेंजीन. इसी तरह से बच्चा क्यूप्रस ब्रोमाइड लूंगा मैं यहाँ पे, ये लो क्यूप्रस ब्रोमाइड, तो बच्चा यहाँ पे Cl के जगह पे क्या आएगा पता है बच्चा, ब्रोमो ब्रोमोबेंजीन. इसी तरह से बच्चा यहाँ पे मैं साइनाइड ले सकता हूँ, CN क्यूप्रस साइनाइड, तो बच्चा यहाँ पे क्या आएगा, साइनाइड आएगा, क्या आएगा CN, सब चीज वही चलेगा बच्चा. बट आयडोबेंजीन बनाने के लिए मुझे KI लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा बच्चा, KI याद रखना, क्या लूंगा मैं, KI लूंगा बच्चा, KI काय राइट,
ओके अच्छा तो यहाँ पे देखो आइड ऑफ इंजन बनाना है, तो यहाँ पे मैं सिक्यूप्रस साइनाइड नहीं लूंगा क्योंकि रिवर्स हो जाएगा बच्चा रिएक्शन, ठीक है, उसके साथ आयोडीन लिबरेट कर जाएगा, तो यहाँ पे आइड ऑफ इंजन इस तरह से आएगा, तो के साथ सी एल चला जाएगा, के सी एल एन टू गैस बाहर होगा और आई जुड़ जाएगा, इस तरह से होता है बच्चा यहाँ पे रिएक्शन। और एक चीज दिखाऊंगा, ये लो गेटरमैन ने भी किया, तो उसने क्या किया, क्यूप्रस क्लोराइड यूज नहीं किया, उसने कॉपर का पाउडर यूज किया बच्चा, उससे भी क्या बना, क्लोरोबेंजीन ही बना, उसने भी यही सैंड में इसी डाइजोनियम में क्या डाला, कॉपर पाउडर और HCl, तो क्लोरोबेंजीन तो बना, फिर उसने ये भी डाला ब्रोमोबेंजीन, मतलब कॉपर पाउडर मतलब HBr भी डाला तो ब्रोमोबेंजीन बना। बट ये सैंडमेयर का यील्ड है ना प्रोडक्ट का, बहुत अच्छी क्वांटिटी आई कंपेयर टू व्हाट गेटरमैन। तो MCQs में आता है, याद रखना कॉपर पाउडर और BDC और सैंड, तो नाम दे देगा, बोलेगा सैंडमेयर की गेटरमैन, आंसर तुम्हारा होना चाहिए गेटरमैन कॉपर पाउडर, और ये कॉपर ये भी यूज किया है बट क्यूप्रस क्लोराइड है, ClBr है और यहाँ पे HCl है, बट यहाँ पे भी HCl HBr है, बट कॉपर पाउडर है बच्चा, क्यूप्रस क्लोराइड नहीं है, फर्क ये याद रखना, तो क्यूप्रस क्लोराइड का फर्क और क्यूप्रस कॉपर पाउडर का फर्क। तो रिएजेंट चेंज किया राइट, तो देखो प्रोडक्ट भी चेंज हुआ, आइडो अरिन, ये देखो आइडो अरिन बनाया, अभी मैंने काय बोला ना काय N2Cl के साथ जाएगा, यहाँ पे फिनॉल देखो ये ऑलरेडी फिनॉल में थी, वाटर मॉलिक्यूल डाल दो N2 निकलेगा, ये वाटर का एक एच है ना सीएल के साथ जाएगा, बचाओ वाटर का OH है ना इस बेंजीन पे अटैक कर जाएगा, ये इंटरेस्टिंग है, ये सिखाता हूँ मैं, चलो अरे क्यों मैंने रब कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं, बेंजीनिंग हम वापस से ड्रॉ कर लेंगे, या N2Cl है बच्चा, मैं ना यहाँ पे इसके बाजू में ना इथाइल अल्कोहल डालने वाला हूँ, अब इथाइल अल्कोहल में से दो हाइड्रोजन कम कर दो, मतलब ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा बच्चा, CH3CHO अगर याद होगा तो, इथाइल प्राइमरी अल्कोहल में ऑक्सीडेशन करोगे बच्चा तो वो सीधा सीधा दो हाइड्रोजन बाहर कर देने वाला है इथाइल अल्कोहल, तो बनेगा इथेनल, ये देखो ये बनेगा, ये बच्चा ये बनेगा इथेनल, तो मैंने इथेनल पहले लिख दिया यहाँ पे, इसका ऑक्सीडेशन कर दिया, पर मैं खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ ऑक्सीडेशन किया, तो उसका दो एच निकलेगा बच्चा, और वो दो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जो एच यहाँ से अल्कोहल में से एक एच है ना इस सीएल के पास जाएगा, बनेगा HCl, नाइट्रोजन गैस लिविंग है बाहर निकलने वाला है, ये लो, और बाजू में क्या है बच्चा बेंजीन है, और इस बेंजीन के साथ क्या जुड़ जाएगा बच्चा, ये जो है ना क्या हाइड्रोजन, एक बच्चा है ना हाइड्रोजन, दो निकला है ना बच्चा, दो हाइड्रोजन बाहर निकला है, तो एक हाइड्रोजन आके यहाँ पे ये ऐसा खाली हो जाएगा, तो वापस से एच जुड़ जाएगा और बेंजीन बन जाएगा, सभी को समझा क्या ये रिएक्शन क्या हुआ, एन टू गया तो C6H5 होता है ना बच्चा, ये कार्बन कितना है छः, हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, पर यहाँ पे ऊपर टॉप में तो हाइड्रोजन नहीं है ना, इसको बोलते C6H5 और N2, तो N2 हटेगा तो उसको एक एच यहाँ से दे देगा, सीधी बात है बच्चा, अगर ऑक्सीडेशन भूल गया होता ना तो बहुत गड़बड़ काम कर रहे हो तुम, अगर याद नहीं आ रहा है तो पहले ये लिख लो बच्चा, लिख लो बेटर रहेगा तुम्हारे लिए,
बच्चा लोग लिख लिया। चलो अगला, ये किसी को डाउट है क्या पहले वो बताओ मुझे जल्दी से। मोहम्मद, वो बच्चा कौन सा रिपीट करने के लिए बोला बोले थे तुमने, वो वाला समझा कि नहीं समझा, कार्बाइला माइन वाला? अच्छा यही रिएक्शन, हाँ अच्छा क्लियर हो गया। अच्छा देखो बच्चा यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या होगा मालूम है इसके अंदर, ये देखो बच्चा क्या होता है ना, ये CH3CHO का ऑक्सीडेशन करो ना बच्चा, पता है ना यहाँ से ये OH का हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ का एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो बनेगा CH3CHO, और वो दो हाइड्रोजन को मैंने यहाँ पे यूज़ किया तो एक हाइड्रोजन एक Cl के साथ जाएगा HCl, और एक हाइड्रोजन इस N2 के जगह पे चला जाएगा, N2 बाहर हो रहा है ना तो वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, एंट्रेंस के लिए काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है ये, काफ़ी कन्वर्जन में डालते हैं ये बेंजीन का फॉर्मेशन। याद रखना सीधी बात याद रखना कि BDC है, BDC के साथ क्या है बच्चा, इथाइल अल्कोहल है, सीधा सीधा तुम्हारा प्रोडक्ट बनने वाला है बेंजीन, और उसी तरह से H3PO4 होता है, एक H3PO3 होता है और एक H3PO2 होता है, राइट। तो फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, फिर वहाँ पे फॉस्फोरस एसिड H3PO3 होता है और H2PO2 इज वॉट हाइपोफॉस्फोरस, बोले तो फॉस्फानिलिक भी बोला जाता है इसको। तो खैर अपने को इसका नाम याद रखेंगे जो होते हैं, ये खाली H2PO2 है बच्चा, वाटर मॉलिक्यूल डाला हुआ है, देखो मैं इसकी बात कर रहा हूँ बच्चा, अब मैं ये हटा रहा हूँ, सेम वही कहानी है बच्चा, ध्यान दो। तुम लोगों का लेक्चर है क्या कोई बच्चा मेरे पास? यस सर। कितने बजे? 7 बजे है ना? 8 बजे सर। हाँ 8 बजे पर। 8 बजे? ओ माय, 8 बजे, बाबा बाबा कितना तुम लोग पढ़ाई करते हो बच्चा लोग, ओ माय गॉड, ठीक है थक गए हो तुम लोग पढ़ते पढ़ते। चलो आवाज से मुझे पता चल जाता है कि तुम लोग कितना मेहनत करते हो आजकल। H3 खराब हो गई, अच्छा ठीक है। अच्छा H3PO2 है बच्चा, H3PO2 है और यहाँ पे मैं वाटर मॉलिक्यूल यूज कर रहा हूँ H2O, ध्यान देना बच्चा ध्यान देना। अब होगा क्या यहाँ पे, ध्यान दो ये बेंजीन है, यहाँ पे ये तुम ध्यान से देखो बच्चा, ये H2O है ठीक है बच्चा, तो ये H2O है ना, यहाँ से सबसे पहले तो नाइट्रोजन को बाहर कर दो, इसका काम तमाम कर देते हैं। यहाँ पे ये वाटर का एक H इसमें डाल दो, HCl बना दो, HCl बन गया ठीक है बच्चा। अच्छा वही स्लो आ रहा है बच्चा, ये बोल देने का ना बीच में, वो चला जाता है साइड में यार, ठीक है ना बच्चा, इसलिए अभी अभी पहले इसके पहले सही आ रहा था आवाज, अब क्लियर है बच्चा? हाँ सर क्लियर है। ओके बच्चा, जहाँ आवाज कम होगा ना तो मेरे को प्लीज याद दिला दिया करो बच्चा, ठीक है ना, मैं फ्लो में रहता हूँ यार, पढ़ाने के मूड में रहता हूँ तो मुझे पता नहीं चलता है, ठीक है ना बच्चा, समझा करो बात को। ओके तो खैर, तो यहाँ पे ये इसलिए, इसके लिए भाई, इसके लिए मेरे को माफी मांगता हूँ मैं तुम लोगों से, इसके लिए मेरे से नाराज मत होना बच्चा, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं रहता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये चीज़ मैं उसमें एकदम खोया रहता हूँ मैं तुम्हारे साथ केमिस्ट्री के लिए। अब वो बात अलग है कि कुछ बच्चे एकदम कॉन्सेंट्रेट करते हैं, कुछ बच्चे बस अपने धुनकी में रहते हैं, ठीक है ना। ओके तो देखो मेरे को मालूम है अच्छी तरह से, कोई कोई मस्त मैसेज भी करते रहते हैं, चैट कर लेते हैं इधर उधर, ठीक है ना, किसी का मैसेज आ गया, कभी कभी इंस्टा पे भी चले जाते हैं, कभी कभी FB पे भी चले जाते हैं, कभी कभी कोई तो बोलता है ना चलो 5 मिनट का ना ब्रेक ले लेते हैं। हाँ बच्चा खुशी में टायर्ड, बोले तो तुम टायर्ड हो कि मैं टायर्ड नहीं होता बच्चा, मैं सवेरे से लेक्चर ले रहा हूँ, 8 से 10:30 मैंने घाटकोपर में लेक्चर लिया हूँ, ठीक है। ओके कभी कभी हो जाता हूँ, लेकिन दोपहर में अभी मालूम है तुम्हारे लेक्चर लेने से पहले मैंने कॉलेज का 1 घंटा लेक्चर लिया है, और वो भी 2 लेक्चर, एक 8:30 से 10:30 था, फिर 12 से 1 था एक लेक्चर कॉलेज का, फिर एक और फिर 3 से 4 था, और 4 से अभी तुम लोगों का, इसलिए 15 मिनट थोड़ा लेट करवाया। सुबह का लेक्चर बेस्ट है मुझे पता है बच्चा, बट क्या करें टाइम का भी मैनेजमेंट। ओके फुल एनर्जी होती है, सही बात है बच्चा सही बात है, हाँ बट क्या करें बच्चा, ऐसा प्रॉब्लम ही है।
और उल्टा ये ऑनलाइन से ज्यादा बेटर क्या होता है, ऑफलाइन होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये एक सीएल है ना बच्चा, एक एच के साथ जाएगा एचसीएल हो जाएगा। इसमें का एक ऑक्सीजन है ना यहाँ पे डाल दो बच्चा, ये ऑक्सीजन इसमें डाल दो H3PO2 में, तो बनेगा H3PO3 बन जाएगा, फॉस्फोरस एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बच्चा एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन तो बच्चा ये गया ना सीएल के साथ, ये देखो ये एचसीएल बना यहाँ पे बाजू में बाय प्रोडक्ट एचसीएल, एक एच बच गया है, एक ऑक्सीजन इसमें गया और एक हाइड्रोजन बच्चा क्या होगा इस बेंजीन पे आ जाएगा, इस मतलब रिंग पे आ जाएगा और N2 बाहर गैस, देखो इससे भी बेंजीन। प्लीज बच्चा लिख लो, ये ज्यादा उल्टा अच्छे से समझेगा, कहीं डाउट है तो मेरे को पूछ लो बच्चा, मैं रिपीट कर दूंगा। देखो अभी मेरा तुम्हारे बाद है ना वापस से लेक्चर है बच्चा, अभी 11 का लेक्चर है सरस्वती क्लास में ही, ठीक है, तो उनका अभी 45 है, बट मैं भी चाह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे को पाँच, ज़्यादा ज़्यादा मैं 10 मिनट पहले या 5 मिनट पहले छोड़ूंगा, तो उनका फिर लेक्चर कंटिन्यू करूँगा। हर बार जब भी तुम्हारा लेक्चर लेता हूँ तो उसके बाद 11 का होता है, या तो पहले 11 का लिया रहता हूँ तो फिर 12 का होता है, ऐसा होता है कंटिन्यू 3 घंटे। ओके हाँ, इसी में लेक्चर में मैं पी भी लेता हूँ बच्चा, चाहे जब भी है ना मेरे को मन होता है। अभी बहुत नींद आ रही थी क्योंकि दोपहर का टाइम था ना, थक भी गया था, ऐसी बात नहीं है, मस्त बीच में एक चाय मार लिया मैंने। ओके तुम लोग भी, मेरे को मालूम है तुम लोग भी मस्त बैठे बैठे मजे लेते हो खाते पीते। अच्छा ठीक है खुशी बच्चा, देखो चाय की बात हुआ, चाय भी आ गया मेरे पास वापस से। ओके तो अच्छा यहाँ पे बेंजीन नहीं लिख लिया होगा मेरे ख्याल से सभी ने। हाँ अच्छा, खाते पीते बच्चे हो, ओके पढ़ते बच्चे हो, ओके बच्चा ओके। चलो यहाँ पे ध्यान दो बच्चा, अब अगला रिएक्शन, रब कर दो मैं। यस सर। देखो बच्चा ये वाला रिएक्शन बहुत इजी है तुम्हारे को मैं दे रहा हूँ, पहले जरा सोच लो, जरा समझ लो, ये पढ़ लो एक बार। ये वाला रिएक्शन बच्चा, ये वाला साइड से डिलीट किया है, फ्लोरोबेंजीन बनता है HBF4 डाल के, तो देखो पहले ये डिलीट किया है, फ्लोरोबेंजीन भी बन जाता है बच्चा, देखना तो मैं बता देता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये देखो BDC है, इसमें HBF4 डालेंगे तो CL हट जाएगा H के साथ। तो 11 के साथ लेक्चर है अपना। हेलो मैम। हाँ सर। हाँ मैम 545 है ना मैम? 545 से 11 के लिए है। 545 से ना मैम, तो थोड़ा ले लो 5 मिनट इनका एक्स्ट्रा। हाँ ले लो। थैंक यू मैम। तो बच्चा यहाँ पे देखो ये वाले रिएक्शन, ये ऑलरेडी डिलीट है, तो यहाँ पे AR N2 CL है ना बच्चा, इसमें से CL को निकाल देंगे, HBF4 है, ये HBF4 है, ये फ्लोरोबोरिक एसिड है, राइट? ऐसा बोल सकते हो हीना के बेस्ट फ्रेंड 4, ऐसा याद रख सकते हो, हीना के बेस्ट फ्रेंड 4, ठीक है? तो हीना बोले तो H, बेस्ट बोले तो B, फ्रेंड मतलब 4, ओके बच्चा? और कुछ मैं सोचना, मैं पहले बता देता हूँ, मैंने बेस्ट फ्रेंड 4 बोला है बच्चा, ठीक है ना? हंसी विसी नहीं आनी चाहिए तुम लोगों को। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ कि वो CL है ना H के साथ चला जाएगा बच्चा, यहाँ पे H है ना, ये CL इस BDC के CL के साथ चला जाएगा, BF4 जुड़ जाएगा, यहाँ पे हिट करेंगे बच्चा, क्या करेंगे, हिट करेंगे तो यहाँ पे N2 गैस निकलेगा, BF3 निकलेगा और एक फ्लोरोबेंजीन इस AR के साथ जुड़ जाएगा, फ्लोरोबेंजीन। और उसी तरह से यहाँ पे HBF4 के प्रेजेंस में कॉपर डालेंगे ना, NaNO2 डालेंगे, कॉपर डालेंगे, तो नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है, ध्यान देना बच्चा, ठीक है? बट ये तुम्हारे इस बार नहीं है, बोर्ड में से निकाला है, ठीक है? सर आप 12th ले रहे हो ना? हाँ मैम 12th ले रहा हूँ मैम। 11th के बच्चे भी बैठे हैं? 11th वाले भी आ गए मैम, कादिर और मिताली। अरे बाबा बाबा,
ये बच्चा लोग तुम लोग डर जाओगे 12 के रिएक्शन देख के. ओके बच्चा. ओके सर. ठीक है, थैंक यू बच्चा. सर हम लीव कर रहे फिर. बहुत जल्दी में हो बच्चा. तो आप 12th के हो, जो 11th के थे वो चले गए. बहुत जल्दी में हो बच्चा, प्लीज जरा पढ़ो यहाँ से. यहाँ पे निर्मिति आप भी लेफ्ट हो जाओ. पानी पिया बाबा, जाओ. अच्छा बस 5 मिनट बस, गला सूख गया था मेरा. अब चाय का मजा ले रहा हूँ, इसलिए तुम लोग को 2 मिनट के लिए पढ़ने के लिए दिया हूँ बच्चा. मिताली लेफ्ट हो जा. रजत यू कैन लीव. अंजलि यस मैम. हाँ यू कैन लीव बेटा, आपका लेक्चर 5:45 को है. बच्चा मेरे ख्याल से देखो कपलिंग पढ़ा होगा तुमने, कपलिंग रिएक्शन. बच्चा ये समझा क्या पहले ये बताओ मुझे प्लीज बच्चा, क्योंकि देखो मेरे को ना यहाँ पे इसके और वैसे वो डिलीटेड है. बच्चा यहाँ पे ये मैं होमवर्क देने वाला हूँ, ये देखो ये वाला हंसा है बच्चा, ये एक रिएक्शन में कराऊंगा अगले लेक्चर में. हिंसबर्ग बर्गर खाएंगे हम, ठीक है ना. मैगडी की याद दिला रहा हूँ तुम लोगों को. बोलोगे सर अब तो टाइम हो गया हमको फ्री कर दो सर, कहाँ हमको रोक के रखे हो. बच्चा हंसा 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 बोले तो अरे यार ये देखो ना ये टाइम में पेज भी धोखा दे रहा है बच्चा, क्या बोलने का. मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना बच्चा. अरे भगवान कहाँ पे गया. पेज नंबर बताओगे मुझे बच्चा, क्या हो सकता है पेज नंबर. 293 सर. देखो ना पेज ने भी धोखा दे दिया, ये भी नहीं चाह रहा है कि तुम्हारा कंटिन्यू करूं मैं. तुम लोग दिल से मना रहे हो ऐसा लग रहा है. बच्चा यहाँ पे ध्यान दो, ये यहाँ पे ये रिएक्शन बच्चा हंसा ब्रोमिनेशंस, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है. ये ऑलरेडी मैंने फिनॉल में कराया है बच्चा. नाइट्रेशंस बच्चा यहाँ पे नाइट्रेशंस, यहाँ पे सल्फोनेशन है. ये लो ये चीजें मैं नहीं कराऊंगा, तुम लोग देख के रख लेना. ये सब चीजें वही है बच्चा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा. क्या होगा? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप. अब एक नया चीज है सल्फा नहीं लिखी है, जरूर मैं आके बताऊंगा उस दिन, ठीक है ना बच्चा. तो 2 रिएक्शन में पेंडिंग रखूंगा, हिंसबर्ग बर्गर खाएंगे और सल्फा नीलिक एसिड और नाइट्रेशन ब्रोमिनेशन सल्फोनेशन, ये जरा देख लेना. ये मैं बता के जाऊंगा, रुक जाओ बच्चा घाई मत करो. देखो ये समझने पे भी समझ में आ गया होगा, ये बीडीसी है बच्चा, एन ट्रिपल बॉन्ड एन और यहाँ पे सीएल है, ये माइनस है बच्चा और इस एन पे प्लस है क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 है और प्लस यहाँ पे हम क्या करेंगे फिनॉल डालेंगे बच्चा. ये फिनॉल है ये ओ अच्छा, यहाँ पे देखो ऐसा एक ना मेरा फिनॉल अच्छा नहीं बना. देखो ना आज टाइम पे ना ऐसा सही चीज नहीं बन रहा है. ये लो कोई अच्छा ये फिनॉल है. अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चा, यहाँ पे पैरा वाले पोजीशन पे मैंने एच रख दिया है यहाँ पे और ये एच है ना इस सीएल के साथ निकल जाएगा तो एच प्लस बन के आएगा, एचसीएल चला जाएगा.
अब इस बेंजीन के पास ऐसे दो दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे क्योंकि एच बाहर निकला, तो ये कार्बन है ना यहाँ पे इधर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज्यादा, और ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा बच्चा इस एन पे। क्यों? क्योंकि एन अपना इलेक्ट्रॉन लेके अपना बोलते हैं ना अपनी गरीबी को दूर कर देगा, तो एन अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड से क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। सी एल जा चुका है, एच जा चुका है, बाजू में ये बेंजीनिंग है ना फिनॉल का, ये आके यहाँ पे जुड़ जाएगा और इस कंपाउंड को बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। देखो सभी को समझ में आ गया होगा, और कलर कलर ऑरेंज कलर फॉर्म हो जाता है बच्चा, प्यारा सा ऑरेंज रेड डाई बनता है। इसी फिनॉल के जगह पे मैं NH2 भी ले सकता हूँ NH2, और यहाँ पे भी वैसे ही होगा, OH के जगह पे NH2 आएगा, बाकी रिएक्शन सेम। इसको बोलेंगे पैरा अमाइनो एजो बेंजीन और इसका कलर येलो हो जाता है बच्चा, इसी को बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। लिखना है तो लिख लो बच्चा, बस कहाँ नहीं है, देखो एनिलिंग का पीछे दिया है। तो मैं हिंसबर्ग और ये चैप्टर खत्म हो गया है, मैं अगले लेक्चर में डी ब्लॉक चालू करूंगा बच्चा, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक चैप्टर्स, ठीक है, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के चैप्टर्स चालू करूंगा बच्चा। बर्गर, हाँ बच्चा ओके मैगडी जाना पड़ेगा हाँ ओके चलो बाय बच्चा लोग, थैंक यू एवरीवन। तुम लोग देख लो, लिखना लिख लो, मैं रुका हूँ मैं, बाय बच्चा बाय। Bye, sir. Thank you, sir.